आना है, सेकेंड आना है, और जितने लोग इकट्ठे हो जाएँ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। देखिए टिप्स जैसे सर ने बताया कि ये सब कैंसर अवेयरनेस के लिए है, और टिप्स यही रहेगा कि कोई भी अपना रनिंग ब्रेक नहीं करेगा, फिनिश करेगा तभी हमें पता चलेगा कितने लोग रनिंग फिनिश किए हैं, और अवेयरनेस भी है, और रेस कोई भी नहीं छोड़ेगा, रेस छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और टिप्स यही रहेगा कि जैसे कि मैडम ने बोला 21 किलोमीटर में जो फिनिश करेंगे उसका 21,000 हमारे सब ने लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को
कृष्णा के लिए जो कभी नहीं दौड़े हैं, अभी दौड़ना चाह रहे हैं, 10 किलोमीटर्स हैं, 5 किलोमीटर्स है जो हर 20-20 मिनट में उसका फ्लैट होगा, 8 किलोमीटर्स हैं जो जिन्होंने विप किया है, 3 किलोमीटर्स स्टूडेंट्स के लिए है, 8 किलोमीटर्स व्हील चेयर के लिए है। और ये बार स्पेशली एप्रिल जो ब्लाइंड एसोसिएशन है वो हमसे जुड़े हैं, जो 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक करेंगे। फिर हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं और हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो जिन्हें हम दौड़ाते नहीं हैं, और हमारे साथ दौड़ाते हैं, हमारे साथ एंजॉयमेंट करवाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे चैरिटी देते हैं। हम अपने इवेंट में मैडम व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, सिलाई मशीन को कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको सिलाई मशीन देते हैं, व्हील चेयर से बड़ी बकेट प्रोवाइड करते हैं, और जो भी डोनेशन होने चाहिए वो डोनेशन उसी जगह पर उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा यूट्यूब लाइव होता है तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट चैरिटी इवेंट है, हम किसी से डोनेशन लेते नहीं, हम डोनेशन देते हैं और पूरी कोशिश से और बड़े माध्यम से हम डोनेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे आपने सुना 1 किलोमीटर्स के लिए 1,000 है और वो जो कैमरा है जो 21 मेल एंड फीमेल है, तो 10 किलोमीटर्स के लिए भी हमने प्राइजेस रखे हैं, 5 किलोमीटर्स के लिए 3 किलोमीटर्स के लिए भी है। पैसों का प्राइस भी है, ठीक है, बड़ा जो हमारे रजिस्ट्रेशन पार्टनर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने हमारे एक्सपो में जो लास्ट ईयर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट, बहुत सारे डॉक्टर्स, सभी गुप्ते जैसे बड़े डॉक्टर्स जो कैंसर उनको नाम लिया जाता है वो जुड़े हैं उनकी संस्था जुड़ी है हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, छत्रपति अवॉर्डीज जो है उनको भी हम सम्मान जरूर देंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुंबई श्री है लास्ट टाइम उनको हमने अवॉर्ड किया था, ये भी उस बार की बहुत सारे ऐसे कैटेगरी वाइज भी है। हाँ, ईशा गोपीकर जो ईशा गोपीकर जी जो है जो एक फिल्म इंडस्ट्री में जिनका जाने वाला नाम है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हम तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं उनका आए और वो आकर यू नो जो यूथ है वो यूथ से कनेक्ट हो, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो फोकस में, मैं उनके बहुत सारे वीडियोज देखती हूँ अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने काम कमाए हैं, वो फिटनेस में भी बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि सुधा जी एक महिला है और ईशा जी भी एक महिला है, और जो ब्रेस्ट कैंसर का मैराथन हमने अरेंज किया है, ओवर ब्रेस्ट कैंसर का महीना है जो पीड़ित महिलाओं के लिए हमने अरेंज किया है, हमने कोशिश की है कि फेस ऑफ द इवेंट भी एक महिला हो और एम्बेसडर ऑफ द इवेंट भी एक महिला हो और ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट भी एक महिला। जो ऑर्गेनाइज किया गया है 5वां इवेंट है, हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कई मैराथन किए जाते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, हर एक का एक अलग पर्पस होता है, अलग मैसेज होता है, लेकिन साथ ही मेमोरियल मैराथन जिसका ये 5वां इवेंट है वो एक ऐसा मेमोरेबल है कि जिसमें हर साल पार्टिसिपेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, और हमारे साथ जो अगर अचीव किया उनको हम खास तौर से इन्वाइट करते हैं, इसलिए कि हम पार्टिसिपेंट्स को बताने की कोशिश करें तो देखिए वो जो हमारे सामने एज अचीव ये साइन जो अपनी अपनी बातों को अपने कैरियर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप सब लोग समझ सकते हैं इंटरेस्टिंग इवेंट मेरा कहा है, जिसमें जो मैराथन का है और दौड़ने का है वो एक इंटरेस्टिंग इवेंट भी है, जिसमें बोरियत नहीं है, लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं और स्पोर्ट्स का हिस्सा बन जाते हैं,
हमारे हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें इंकरेज करते हैं। इसमें इस इवेंट के अंदर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आदमी उसको हो जाए वो परेशान हो जाए या उसको जिंदगी से वो मायूस हो जाए, बल्कि कैंसर ऐसा भी है कि जिससे लोग बच जाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन हम वो वक्त के ऊपर अगर कैंसर अवेयरनेस को समझ लें तो बच सकती है। इसीलिए इस इवेंट से पहले हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे जो जिन इवेंट्स के अंदर कैंसर को पहले से जानना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि कैंसर पता चलता है सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे, और वो स्टेज ऐसे होते हैं जब लोग मायूस हो जाते हैं और बच नहीं सकते। इस संदर्भ के अंदर ये समझना ज़रूरी है ये लोगों के अंदर फैलाना चाहते हैं कि आप ये टेस्ट पहले से करवाइए। हमने हेल्थ फाउंडेशन के जरिए हमने ऐसी स्कीम भी शुरू की है कि जिससे कैंसर का टेस्ट यानी किया जाए कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो उस वक्त आपको जब पहले इस चीज़ में पता चल जाएगा कि आपको जो है ये प्रॉब्लम है तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और ये हमारा किरदारा है डॉक्टर, ये कैंसर के पेशेंट्स को मदद फाइनेंशियल भी करती है, उनका फ्री ऑपरेशन करता है, उनका फ्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है जो हम ऑपरेशन से करते हैं और इसको और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हमने जो है ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है कि इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें, लोग इंजॉय भी करें, लोग स्पोर्ट्स के अंदर बुला दें, लेकिन लोग ये भी समझें कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी मदद की ज़रूरत है और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी नहीं हो सकती। Yes, this time our marathon is clean marathon. जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू करें, पहली तारीख जो उन्हें भी चुकी है स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो रही है और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसी तरह हमें भी अपने मैराथन को प्रेरित कर दिया है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं मैराथन में, रिजवी कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे आप सब जानते हैं, तो हमें अपने खुद के लेबर्स को लगा कर एक ग्रीन के लिए भी डस्टबिन को क्रिएट किया है जो बिल्कुल आप वहाँ पर देखेंगे बिल्कुल प्लास्टिक फ्री स्टील एल्यूमिनियम की डस्टबिन जिसके अंदर डीकम्पोज बैग्स लगे हुए, जैसे आप देखते हैं कि इतनी बड़ी प्लास्टिक की डस्टबिन होती है उसमें अक्सर कभी प्लास्टिक का नहीं लगा हुई डायरेक्ट लोग कचरा फेंकते हैं। तो जो हमारे स्वास्थ्य साथी हैं, जो सफाई साथी हैं, उनको हाथ डाल कर वो कचरा निकालना पड़ता है। ये डस्टबिन जो है वो बिल्कुल आप वो डिकम्पोज बैग निकाल कर उसको डायरेक्ट फेंक देते हैं उसमें से, तो ये हम ला रहे हैं। और हमने पॉट्स जैसे हम लोगों को बुके देते हैं तो उनके बुकों में कई बार फेंक देते हैं तो वो फ्लावर्स की कितनी इज्जत हो जाती है और वो फ्लावर्स बेकार हो जाते हैं, पैसे आपके बेकार हो जाते हैं। अगर बहुत अक्सर आप इतनी बार पर देते हैं कुछ लोग पानी डालते हैं नहीं डालते हैं फिर वो बहुत वेस्ट हो जाता है, अगेन विच इज़ प्लास्टिक जिसको डिकम्पोज होने के लिए बहुत कम करना है। तो हमने इस बार जब हम लोगों को गिफ्ट करेंगे तो आप बायोडिग्रेडेबल बैग देंगे जिसमें उस बैग के अंदर आप मिट्टी डाल सकते हैं, अपना प्लांट डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपका प्लांट ग्रो हो जाए फिर उस प्लांट को आप वो बैग को आप मिट्टी में डाल सकते हैं, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर हियरिंग बिगिनिंग स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात हो रही है तो हमारा एक एजुकेशन इदारा है, हम यहीं से लोगों को और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान किसे कहते हैं। हमारे जितने फ्लैक्स हैं
अपनी पूरी कोशिश की है कि हमारे जो फ्लैट्स हैं वो कमरे के बने। शायद मुंबई में हम पहले हैं जिन्होंने सारे मैराथन के फ्लैट्स, आप जो देखेंगे पर्सनली आप विजिट कीजिए मैराथन और देखिए कि वो फ्लैट्स कपड़ों के बने हुए हैं। वो कपड़ों को बाद में निकाल कर हम बैग्स बनाएंगे जो हम खुद इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच इज़ हैपनिंग और बहुत अलग और बहुत अलग किस्म का ये मैराथन है। हमने अपने आस्था फाउंडेशन है जो स्वास्थ्य कर्मचारी है जो कचरा उठाते हैं बैग पिकर्स है उनको भी सम्मान देने के लिए उनके साथ हाथ जोड़ा है, उनको भी बताया है कि इस जज्बे का कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। ये हमारे हेल्थ बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। अगर वो ग्रीन की बात कर रहे हैं क्यों नहीं, हमारे जो नाश्ता जो दिया जाएगा वो बनाना हमारे जो पानी जो दिया जाएगा हम बिस्लरी बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉटल कैप्स हैं बड़ी बड़ी और पेपर ग्लासेस हैं, री यूजेबल ग्लासेस हैं। आप अपने घर से भी री यूजेबल बॉटल ला सकते हैं जो मैराथन हैं वो ग्लासेस अवेलेबल है। आप वो ग्लासेस में पानी दीजिए और उसको बराबर तो आपने कहीं पर भी वो कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी अगर कमी कभी रह गई हो तो आप ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू मैम।